श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीम् श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षात् क्षमाम् करुणया कमलामिवान्याम् गोदामनन्यशरणः शरणम् प्रपद्ये. गोदादेवी तिरुपावई के दूसरे दृश्य में श्री व्रत को करने के लिए सारे सहेलियों को इकट्ठा करती है. जो भी सहेलियां आई नहीं है उनके घर जाकर उनको उठाकर लाती है अपने साथ. तो इस पासुरम में, आठवें पासुरम में, वह तीसरे सहेली को जगाती है. पहले पासुरम को देखते हैं. கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தன காண்மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம் கோது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராய்ந்து அருளேலோரெம்பாவாய். அப் சுபே ஹோதா ஜா ரஹா ஹே இஸ்கே லக்ஷண் கோதாதேவி கே பாசுரம் மே திக்தே ஹே ஹமே. பஹலே சஹேலி கோ ஜப் ஜகாயா தப் கஹா கி பக்ஷி ஆவாஸ் கர் ரஹே ஹே. தூஸ்ரே சஹேலி கோ ஜப் ஜகாயா தப் கஹா கி பக்ஷியாம் பாதே கர்னே லக் கயி ஹே. அப் தீஸ்ரே சஹேலி கோ ஜப் ஜகா ரஹே ஹே தப் கஹ ரஹி ஹே கீழ்வானம் வெள்ளென்று. யஹ பூர்வ திசா மே ஜோ ஆகாஷ் ஹே வோ தோடா சா சஃபேத் ஹோனே லக் கயா ஹே ஐசா கஹதி ஹே. கீழ்வானம் மத்லப் பூர்வ திசா கா ஆகாஷ் வெள்ளென்று சஃபேத் ஹோ கயா ஹே. தோ யஹ சுன்கர் யஹ ஜோ அந்தர் கி லட்கி ஹே வோ ஜாகி பைட்டி ஹே பகவான் கி சிந்தனா கர் ரஹி ஹே. தோ வோ கஹதி ஹே கி ஹே லட்கியா तुम लोगों को अन्यथा ज्ञान हो गया है, मतलब कुछ अलग समझ रहे हो तुम लोग. असल में बात यह है कि सुबह हुई नहीं है लेकिन तुम लोग पूर्व दिशा की तरफ देखते जा रहे हो कि सुबह कब होए और कब हम हमारा व्रत शुरू करें. और जो तुम देखने वाली लोग हो वो कैसी हो, एक एक जन का मुंह पूर्णिमा चंद्र की तरह चमक रहा है. तो इतने सारे पूर्णिमा चंद्र जैसे मुखों की प्रतिबिंबा उस आकाश पर गिरकर उसकी वजह से वो आकाश सफेद सा लगने लग गया है. असल में सुबह हुई ही नहीं है, तुम लोगों को अन्यथा ज्ञान हो गई है, ऐसे बोलती है. बाहर वाले लोग सोचते हैं ये तो बड़ी चालाक निकली, कैसे कैसे बोल रही है. ठीक है, हम तुम्हें दूसरा लक्षण बोलते हैं, ऐसा बोलती हैं. और कहती हैं गोदा देवी, यरुमई चिरवीड मेवान परंदन कांड, आकर देखो. कांड मतलब देखो. यरुमई चिरवीड मेवान, यरुमई का मतलब है भैंस, सिरुवीड मेवान का मतलब है ये जो भैंस होते हैं सुबह सुबह जल्दी दूध नहीं देते, उनको दूध देने से पहले नाश्ता खिलाना पड़ता है. और वो नाश्ता क्या होता है, बर्फ वाली घास में उनको जाकर थोड़ा देर रखना चाहिए, फिर उस बर्फ वाली घास को थोड़ा थोड़ा खाने के बाद भैंस दूध दिया करते हैं. अब ये बात गोकुलवासियों को बड़ी अच्छी से पता था, इसलिए गोदा देवी जो कि अब अपने आप को गोपी समझ रही है उसको भी यह बात अच्छे से पता था. तो यह कार्य, भैंसों को नाश्ता दिलाने का कार्य जिसे सिरवीड मेवान कहते हैं, वो सुबह सुबह किया जाता है. तो ऐसा काम अभी चल रहा है, सारे भैंस जा रहे हैं उस सिरवीड में, उस घास के जगह में जाकर नाश्ता करने के लिए. तुम्हें दिख नहीं रहे हैं क्या, आकर देखो बाहर, ऐसा बुलाती है. तो अंदर वाली लड़की कहती है, तुम लोगों को विपरीत ज्ञान हो गया है, कुछ भी सोचने लग गए हो तुम लोग, असल में यहां भैंस है ही नहीं, क्या दिख रहा है आपको, आप लोगों का मुंह कैसा है, चंद्रमा जैसे. तो आपके मुख की इस कांति को देखकर
असल में जो अंधकार है वो भागा जा रहा है, तो वो अंधकार जो भाग रहा है वो आप लोगों को भैंसों जैसे लग रही है, असल में भैंस यहाँ है ही नहीं, ऐसा बोलती है। तो ये लोग सोचते हैं ये तो बहुत ही चालाक है, इसके साथ क्या बात करें। तो अंदर वाली और बातें करने लग जाती है, वो कहती है देखो मुझे नहीं लगता है कि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि मुझे आवाज इतनी सुनाई नहीं दे रही है। अब आप लोग इतने सारे लोग हो तो बहुत आवाज आना चाहिए, लेकिन मुझे आवाज थोड़ी कम लग रही है। इसका मतलब है सब लोग आए नहीं है, तो उन सबको छोड़कर आप लोग मुझे ही उठाने के लिए क्यों आए, ऐसा पूछती है। तो बाहर वाले लोग कहते हैं सच कह रही हो तुम, हुआ क्या पता है, मिक्कुल्ल पिल्लैगलुम पोवान पोगिनरारई, बाकी के जो लोग हैं वो कहीं गए हैं, असल में हम सब इकट्ठा हुए थे एक जगह, फिर हमने सोचा कि कुछ लोग तुम्हें बुलाने के लिए आए और बाकी लोग कृष्ण की भवन की तरफ चले जाएं व्रत को शुरू करने के लिए। ऐसे कुछ लोग निकल गए और हम लोग इस तरफ आ गए, लेकिन फिर हमारा मन नहीं माना, तो हमने क्या किया, पोवान पोगिनरा रही, जो लोग जा रहे थे उनको रोक दिया, पोगा मलकात रोक दिया उनको, क्योंकि उन्नई कुवान वंद निंद्रोम, उन्नई तुम्हें कुवान बुलाने के लिए वंद निंद्रोम आकर खड़े हैं। वो लोग कैसे जा रहे थे पता है, कितने आतुरता से जा रहे थे, वो इतना जाने में आतुरता रखे कि पहुंचने पर भी शायद उनको उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना जाने में मिलेगा। कुछ कुछ यात्राएं ऐसी होती है, कहते हैं अक्रूर जी जब यात्रा करके गए थे वृंदावन की तरफ, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया था मथुरा से वृंदावन जब वे जा रहे थे तो भगवान कृष्ण के बारे में सोच सोच कर उस रेग पर भगवान के पद चिन्हों को ढूंढ ढूंढ कर जा रहे थे। इतने आनंद से वो यात्रा करके गए कि कृष्ण से मिलने वाले हैं, कृष्ण से मिलने से उनको जितना आनंद मिलता उससे ज्यादा आनंद इस यात्रा से ही उनको मिल गया। तो इस तरह से यात्रा में ही दिलचस्पी रखने वाले लोग ये लोग हैं, कृष्ण के भवन की तरफ जो जा रहे हैं। ऐसे जाने वाले लोगों को हमने तुम्हारे लिए रोक कर रखा है, तो तुम्हें आना ही होगा, ऐसा बुलाते हैं। तो अंदर वाली लड़की पूछती है ऐसा भी बुलाने की क्या जरूरत है, मुझे जाना था उनको तो चले जाते, इतनी आतुरता थी तो रुक जाने की जरूरत क्या थी, ऐसा पूछते हैं। तो गोदा देवी कहती है अरे तुम्हें छोड़कर जा कैसे सकते हैं, तुम कौन हो, कोद कलम उड़ाया पावाई, तुम एकदम कुतूहल वाली लड़की हो, तुम्हारे पास एकदम उत्सुकता है भगवान को पाने के लिए, ऐसे उत्सुक लड़की को हम छोड़कर जा कैसे सकते हैं, चलो उठकर आओ, हम भगवान का जय जयकार करते हैं, उस भगवान का जिसने केशी का संहार किया। मावाई पिलंदा नहीं, माँ का मतलब है घोड़ा, माँ वाई मतलब घोड़े का मुंह जिसने फाड़ा, वो केशी वाल नाम के घोड़े का मुंह जिस भगवान ने फाड़ा, उस केशव के नाम का संकीर्तन करके उनका जय जयकार करेंगे। मल्लरई माटी है जिस भगवान ने मल्लर यानी कि मुष्टिक चाणूर जैसे वीरों को पराजित किया, उस भगवान का जय जयकार करेंगे। उस देवादि देव का जय जयकार करेंगे, देवादि देवनई सिंध नाम से विताल, ये देवादि देव जो भगवान है उनकी महिमा अपरंपार है। बाकी के लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो कभी किसी के लिए उतर के नहीं आएंगे, लेकिन देवादि देव भगवान जो सबसे बड़े हैं वो कैसे रहते हैं, सबसे छोटे होकर अपने भक्तों के लिए सब सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामावतार में भगवान श्री राम जब दंडकारण्य पहुंच गए थे तो ऋषि मुनियों ने आकर उनके पास शरणागति किया और कहा कि उन्हें राक्षसों से बचाया जाए, तो भगवान राम को तब बुरा लग गया, उन्होंने सोचा और बताया कि यह काम मुझे अपने आप करना चाहिए था, आप लोगों को आकर पूछकर करना चाहिए था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आप लोग पूछें तब तक मैं रुक गया करके उन्हें बुरा लग गया। तो भगवान ऐसे होते हैं देवादिदेव कि आकर दूसरों की सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये है देवादिदेव की सद्भावना। ऐसे देवादिदेव के पास अगर हम खुद चले जाएं, सिंद्र नाम सेविताल, मतलब जाकर उनके शरण में जाएं, तो वे कितने खुश हो जाएंगे। आ आ इंद्र आ राइंद, एकदम खुशी से गूंज उठकर आ राइंद, हमको पूछ पूछ कर अरुले लो अनुग्रह करेंगे भगवान। तो उस अनुग्रह को पाने के लिए तुम चली आओ अपने कुतूहलता को दिखाकर। ऐसे बुलाने पर वो सहेली भी उठकर इन लोगों के साथ आकर शामिल हो जाती है। ये रहा तिरुप्पावई के आठवें पासुरम का अर्थ। कवितार्किक संभाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।